नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने डाउनफॉल ऑफ मुगल पढ़ा था और उसी पार्ट को हम आज भी आगे करेंगे और मुझे उम्मीद होगी कि ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, देखिए, पढ़ने के लिए बहुत है और ना पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिनको लग रहा है कि सर जो हैं ये PCS UPSC लेवल की तैयारी करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपके सारे एग्ज़ाम में, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसा नहीं कि केवल UPSC में आएगा, UPSI में नहीं आएगा, लेखपाल में नहीं आएगा, सब में आएगा। और आप कैसे जज कर सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल UPSC आएगा और लेखपाल वनडे लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, आप जज नहीं कर सकते ना। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और एक एक पॉइंट का नोट्स बनाते जाइए। मैं सिंपल साधारण भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम का डिमांड है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हमने कल देखा कि जो मुगल एरा का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, डाउनफॉल हो रहा है, वो डाउनफॉल औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पुत्र आपस में उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लग जाते हैं। फिर उसके बाद उनके पुत्रों के जो पुत्र होते हैं वो भी उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लगते हैं और उनको सहायता देने वाले मिल जाते हैं, जिस कारण ये मुगल साम्राज्य जो होता है वो डाउनफॉल की तरफ निकल जाता है। अभी आगे तो बहुत सी पॉलिसियां पढ़ेंगे क्यों हुआ था। ठीक है, आपको पता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुआ था तो उसके 3 पुत्र जीवित थे। ठीक है, और फाइनली मुअज्जम क्या होता है, अपने 2 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठ जाता है। जब मुअज्जम 2 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठता है तो सबसे ज्यादा उम्र का शासक रहता है। ठीक है, और वह गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है। ठीक है, और 63 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठने वाला वो व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये उसकी एक कहानी थी। फिर इतिहासकार खफी खा बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहता है कि यह बुढ़ा बादशाह है और साथ ही साथ उसे साहेब ए खबर की उपाधि भी दे देता है। ठीक है, ये कहानी थी बहादुर शाह के बारे में। और आपको पता होगा कि बहादुर शाह ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था और साथ ही साथ उसने मेल मिलाप की नीति भी अपनाई थी। ये अंततः जब इसकी भी मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह प्रथम की, तो इसके 4 बेटे आपस में उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लग जाते हैं। और ये जो 4 बेटे होते हैं, जहांदार शाह, अजीज उज शान, रफी उस शान और जहान शाह होते हैं, ये आपस में उत्तराधिकार के युद्ध में लग जाते हैं। इनका सबसे बड़ा बेटा जहांदार शाह, ठीक है, जो असद खां होता है। असद खां कौन है, हमने बताया था कि असद खां औरंगजेब का पीएम होता है ना, वजीर होता है। इस असद खां का पुत्र होता है जुल्फिकार खां। ठीक है, इस जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह क्या होता है, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ। और असद खां और जुल्फिकार खां ये दोनों बाप बेटे एक गुट होता है, ईरानी गुट, ठीक है, इस गुट के नेता थे। ठीक है, अब जहांदार शाह क्या करता है, जुल्फिकार खां के सहयोग से जब मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है तो ये जहांदार जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त करता है और असद खां को अपना वकील। अब ये दोनों बाप बेटे ही क्या करेंगे, मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है वजीर पद, फाइनली जो पीएम पद है वो जुल्फिकार खां के पास है और असद खां के पास वकील का पद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद होते हैं। जब इनके पास है तो अब ये पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और जहांदार शाह क्या हो जाता है, इनके हाथ का कठपुतली बन जाता है। यही कारण है कि जहांदार शाह को पहला कठपुतली सम्राट भी कहा जाता है। अगर प्रश्न कई बार आता है कि मुगल साम्राज्य का पहला कठपुतली सम्राट कौन था, यही जहांदार शाह था। क्यों था, अतु जुल्फिकार खां और असद खां के कारण। ठीक है,
इसने भी क्या किया था, जजिया कर समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ अपने पिता की भांति इसने भी वैसे ही जिससे जिन लोगों से इसके पिता का मित्रवत संबंध था, इसने भी उनके साथ अपना मित्रवत संबंध जारी रखा। ठीक है, और मैं बताऊं कि जो राजपूताना दो राज्य थे, एक मारवाड़ था एक आमेर था, ठीक है, तो इसने क्या किया, जो राजपूताना राज मारवाड़ था वहां के जो राजा थे अजीत सिंह को इसने क्या किया था, महाराजा की उपाधि दे दी और गुजरात का सूबेदार बना दिया। आपको बता दूं कि सूबेदार क्या होता है, तो जो इसके काल में 21 सूबे थे यानी 21 प्रांत, प्रांत मतलब समझ जाइए कि वर्तमान में राज्य, वो जो राज्य थे उन राज्यों का ये सूबेदार यानी गवर्नर होते थे। सूबेदार जो होते थे वर्तमान के गवर्नर जैसे हुआ करते थे। तो इसने क्या किया, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दे दी और गुजरात का सूबेदार कर दिया। साथ ही साथ इसने आमेर के राजा जयसिंह, ठीक है, आमेर के जो आमेर है जिसे हम जयपुर बोलते हैं ना, आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, इसने ये दो कार्य किए। ये कई बार प्रश्न आता है। अब देखिए, इसने जो मराठा साम्राज्य था, साहू थे, ठीक है, मराठा साम्राज्य, उन मराठा साम्राज्य को दक्कन का सरदेशमुखी दे दिया, साथ ही साथ सरदेशमुखी के साथ साथ चौथ भी दिया, लेकिन इनके साथ इसने क्या किया, कुछ शर्त भी लगा दी। और शर्त क्या थी, तो इसने कहा कि ये जो सरदेशमुखी और चौथ होगा ये मुगल साम्राज्य वसूलेगा और वसूल के मराठा साम्राज्य को दे देगा, ये इसकी शर्त थी। और क्या हुआ, मराठा साम्राज्य मान भी गए। अब क्या होता है कि इसने बुंदेल सरदार छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन से भी मित्रता संबंध स्थापित कर लिया और बंदा बहादुर के साथ इसकी पुरानी नीति, बंदा बहादुर नहीं जो सिख थे और बंदा बहादुर था उनके साथ इसकी पुरानी नीति थी जो दमन की नीति थी, वो दमन की नीति जारी रखा। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इसने क्या किया कि सिखों के साथ दमन की जो नीति थी वो त्याग दिया, त्यागा नहीं, उसने जारी ही रखा। अब इसने सबसे बड़ी इसके काल की घटना होती है, एक दिल्ली में एक वेश्या होती है, ठीक है, उस वेश्या का नाम है लाल कुंवारी, वेश्या को गढ़िका भी बोलते हैं, ठीक है, लाल कुंवारी, इस लाल कुंवारी से इसका क्या होता है, प्यार हो जाता है जहादार साहब को। अब लाल कुंवारी से इसको जब प्यार होता है तो ये लाल कुंवारी को क्या करता है, दिल्ली के लाल किले में लाता है और शादी कर लेता है। शादी करने के साथ साथ यह लाल कुंवारी के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उसके भाई बंधु सबको बड़ा बड़ा पद दे देता है। इस बात से परेशान फर्रुखसियर परेशान हो जाता है जो इसका भतीजा होता है, ठीक है, और फर्रुखसियर एक्चुअली अजीमुस्तान का पुत्र होता है। फर्रुखसियर को लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा चाचा जो है जहांदार साहब, ये पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य को पतन की तरफ लेके जाए। ठीक है, तो फर्रुखसियर क्या करता है, अली बंधु, दो भाई होते हैं अली बंधु, ठीक है, पहला भाई जो बड़ा भाई होता है अली बंधु का, अब्दुल्ला खां, ये इलाहाबाद का सूबेदार होता है, ठीक है, और दूसरा भाई जो हुसैन अली बराहा होता है, ये पटना का सूबेदार होता है। इनकी सहायता से फर्रुखसियर अपने चाचा की हत्या करवा देता है, कहता है ना रहेगा चाचा ना करेगा इस तरह की घटिया हरकत, ठीक है। और मैं बता दूं यही अली बंधु आपको इतिहास में मुगल साम्राज्य के किंग मेकर के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, फर्रुखसियर अपने चाचा की हत्या करवा देता है और खुद स्वयं इन अली बंधु की सहयोग से गद्दी पर बैठता है और यह गद्दी पर लगभग लगभग 600 साल तक रहता है, 600 बोल दिया मैं, सॉरी 6 ईयर तक, 1713 से 1719, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो अली बंधु में अली था बड़ा भाई था अब्दुल्ला खां, इसको अपना वजीर नियुक्त कर देता है और साथ ही साथ कुतुबुल मुल्क की उपाधि दे देता है, किसको, अब्दुल्ला खां को, और हुसैन अली को अपना सेनापति अर्थात मीर बख्शी नियुक्त करता है और अमीर उमरा की पद दे देता है, उपाधि देता है, सॉरी अमीर उल उमरा की यह उपाधि दे देता है। देखिएगा मैं बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को।
तो आप लोग इसका एक एक पॉइंट नोट्स करते जाइए, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ने कुछ अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है तो कुछ आपके लिए अच्छा ही भी किया है, ठीक है, जो होता है सब अच्छा होता है। तो आप जितना मैं बता रहा हूँ इस सारे सब्जेक्टों का आप नोट्स बनाते जाइए, फिर जीएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे वीडियो को आप एक बार दो बार तीन बार प्ले करके जरूर सुनिए, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर करना तो फिलहाल मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आइए बात करते हैं। अब भाई असद खां और जुल्फिकार खां ही क्या करते हैं, जहांदार साहब को राजा बनाने में सहायता करते हैं ना, ठीक है। तो उनकी ये हत्या करवा देता है, कौन, फर्रुखसियार। इसको लगता है कि अगर ये दोनों बाप बेटे रहेंगे ईरानी गुट के जो नेता हैं, ऐसा ना हो कि मुझे भी दिक्कत करे, इसलिए इनकी हत्या करा देता है। और साथ ही साथ वही पुरानी नीति अपनाता है, आमेर के जो राजा होते हैं कौन, जय सिंह, यानी जयपुर के राजा जय सिंह, उनको सवाई की उपाधि देता है। ये कई बार प्रश्न पूछता है कि आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो इसी फर्रुखसियार ने प्रदान किया था, ठीक है। अब इसने क्या किया कि निजाम उल मुल्क को ना चिनक्लिज खां के नाम से भी जाना जाता है, और यही चिनक्लिज खां हैदराबाद की स्थापना किया था, ठीक है। चिनक्लिज खां ही हैदराबाद की स्थापना किया था। इस निजाम उल मुल्क अर्थात चिनक्लिज खां को ये जो दक्षिण के छह सूबे होते हैं, इन छह सूबों का सूबेदार नियुक्त कर देता है, कौन, फर्रुखसियार, ठीक है। अब ये फर्रुखसियार को छह सूबों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं फर्रुखसियार के बारे में। अब फर्रुखसियार के समय की सबसे बड़ी घटना यह है कि जो सिख नेता बंदा बहादुर होता है ना, उस बंदा बहादुर को ये फर्रुखसियार ही मरवाता है। कैसे, जा देखते हैं। क्या होता है कि 1716 में फर्रुखसियार जो पंजाब के गुरदासपुर में आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद बंदा बहादुर के साथ इसकी युद्ध होती है, और युद्ध में बंदा बहादुर हार जाता है। फर्रुखसियार वहीं पर घेरा डालता है, और ये घेरा 8 महीने तक का होता है। कितने माह तक घेरा डालता है, 8 माह तक। 8 माह तक घेरा डालने के बाद बंदा बहादुर को लगता है कि घेरा हटने वाला नहीं है, ये आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण करने के बाद इसको दिल्ली ले जाया जाता है, लेकिन वहीं पर बंदा बहादुर को यातनाएं देकर मार दी जाती है, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, फर्रुखसियार द्वारा। अब देखिए जो सैयद बंधु थे, ठीक है, और इन सैयद बंधुओं में जो छोटा भाई था हुसैन, ठीक है ना, तो इन सैयद बंधुओं ने भरतपुर के जो राजा थे चूड़ामन जाट था ना, ये कई बार पूछा जाता है चूड़ामन जाट कहाँ का राजा था, भरतपुर का जो राजा था चूड़ामन जाट, इसके साथ सैयद बंधु मिल जाते हैं और मित्रवत संबंध स्थापित कर लेते हैं। संबंध स्थापित करने के बाद ये लोग मारवाड़ यानी जोधपुर पर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करने के बाद अजीत सिंह को पराजित कर देते हैं, और पराजित करने के बाद अजीत सिंह की एक पुत्री होती है, उस पुत्री का विवाह ये फर्रुखसियार के साथ करवा देते हैं। यानी अब अजीत सिंह क्या हो गया, फर्रुखसियार का ससुर हो गया। ये घटना है, ये करते हैं सैयद बंधु। अब फर्रुखसियार की तबीयत खराब हो जाती है, कोई कष्ट होता है, ऐसा कहा जाता है कि फर्रुखसियार के पैर में फोड़ा हो जाता है, ठीक है, घाव, और उस घाव से वो दर्दनाक पीड़ा से गुजरता है, ठीक है। लेकिन इसके जितने भी वैद होते हैं इस पीड़ा से उसको उबार नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एक अंग्रेज सर्जन होता है, इस सर्जन का नाम है विलियम हैमिल्टन। इस विलियम हैमिल्टन ने क्या किया, फर्रुखसियार को इस दर्द से छुटकारा प्रदान करवा दिया, ठीक है, यानी उसे क्या किया, उसे इस दर्द से मतलब छुटकारा दिलवा दिया। इस कारण फर्रुखसियार इतना प्रभावित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि इन अंग्रेजों के लिए बंगाल में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान जारी करता है, ठीक है। कई बार प्रश्न आता है कि शाही फरमान कौन जारी करता है, फर्रुखसियार। इस शाही फरमान को हम सिंपल भाषा में गोल्डन ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो शाही फरमान जारी करता है, इस शाही फरमान को, ठीक है, हम दस्तक का भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, दस्तक, ठीक है, दस्तक,
10 तक, ठीक है। ये जो शाही फरमान होता है इसका मतलब हो गया कि जो अंग्रेज हैं ये बंगाल में बिना कर दिए यानी विदाउट टैक्स व्यापार कर सकते हैं। इसका मतलब 1717 से पहले बंगाल में अंग्रेजों के साथ टैक्स लगता था, अब ये विदाउट टैक्स क्या करेंगे इस बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, ये इसने शाही फरमान जारी किया, ठीक है। अब देखिए जब भी किसी के अधिकार की बात होती है ना, जब भी किसी को कोई अधिकार मिलेगा समझिएगा उस अधिकार को वो अपना मैग्ना कार्टा कहेगा। क्या कहेगा? मैग्ना कार्टा। अब अंग्रेजों ने इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। और ये मैग्ना कार्टा, मैं बता दूं कि ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन द्वारा दिया गया था। अब फंडामेंटल राइट जानते हैं ना, मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, वो मौलिक अधिकार भी ना हमारे अधिकारों की बात करता है, और जब भी कोई चीज हमारे अधिकारों की बात करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं, ठीक है। अब इन अली बंधुओं को लगता है कि जो फारूक सीयर है ये अब हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, यानी हमारे नियंत्रण में नहीं है। और फारूक सीयर को भी लगता है कि ऐसा ना कि जो अली बंधु इतना साम्राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं इनके कारण मेरे जो मेरा शासन है खतरे में आ जाएगा। दोनों लोगों में मनमुटाव चलने लगता है। अली बंधु क्या करते हैं कि जो मराठा के प्रथम पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव, प्रथम पेशवा होते हैं ना, आपको पता होगा कि साहू ने क्या किया था, बालाजी बाजीराव को प्रथम पेशवा नियुक्त किया था। कब? 1713 से 1720 तक। अब हुसैन अली जो मराठा शासक होते हैं बालाजी विश्वनाथ, इनके साथ एक संधि करता है और इस संधि का नाम होता है दिल्ली की संधि, ठीक है। और ये 1719 में होता है, ठीक है। अब बालाजी बाजीराव कहता है कि मैं हुसैन अली से, मैं जब दिल्ली पे आक्रमण करूंगा तब तुम लोग फारूक सीयर की साथ मत लेना। और ऐसा ही होता है, और अंततः ये आक्रमण करते हैं और फारूक सीयर को गद्दी से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद उससे अंधा कर दिया जाता है और 10 दिन बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? फारूक सीयर की। और कहा जाता है कि इतिहास में ऐसा यह पहला मुगल सम्राट है जिसका की हत्या उसी के अधिकारियों द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। कौन? फारूक सीयर के बारे में नेक्स्ट क्लास मैं कल करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।